किर्गिस्तान की राजधानी में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद सभी देशों के प्रतिनिधियों को प्रभावित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिंदी में दिए उद्बोधन से भारत की मातृभाषा हिंदी का कद कई गुना बढ़ा दिया। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। ये देश की जनता के लिए गौरव की बात है कि जहां पहले भी भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन अंग्रेजी में दिए उद्बोधन के साथ अन्य देशों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाए थे। कुछ समय पहले दुनिया के देश भारत के प्रधानमंत्री को गंभीरता से नहीं लेते थे और आज मोदी जी द्वारा दिए हिंदी उद्बोधन को बड़े ध्यान से सुनते हैं। कुछ तो बात है मोदी जी में, ये आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO शिखर सम्मेलन में आतंक के पर्याय बन चुके पाकिस्तान से हाथ तक नहीं मिलाया। PM नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद के मुद्दे पर जबरदस्त घेराव किया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका दौरे के दौरान मैंने आतंकवाद का घिनौना चेहरा देखा है। आतंकवाद से निपटने के लिए सभी को एक साथ आना जरूरी है। आतंकवाद रोज मासूमों की जान लेता है। टेररिज्म फ्री सोसाइटी के विजन पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मानवतावादी ताकतों को एक होना चाहिए। आतंकवाद का समर्थन करने वाले, उन्हें सहायता और धन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। SCO सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए SCO रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का SCO शिखर सम्मेलन में मजाक बन गया। उद्घाटन समारोह के दौरान सभी देशों के प्रमुख एक एक कर हॉल में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर रहे थे। इमरान खान प्रवेश करते ही अपनी कुर्सी पर बैठ गए। शायद उन्हें लगा कि सभी प्रतिनिधि उनका ही स्वागत करने के लिए खड़े हुए हो, इसलिए वो बड़ी थसक के साथ आकर कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद यह समझ में आया कि पूरे समारोह में वह अकेले ही हैं जो वहां बैठे हुए हैं, बाकी सब खड़े हुए हैं। इसके बाद वह खड़े भी हुए लेकिन फिर बैठ गए। अंत में कर्मचारियों द्वारा जबरदस्ती उन्हें खड़ा किया गया। तो इमरान की इस हरकत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।